Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover important current affairs of Haryana state, 3rd and 4th week of April. राइट सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन बट इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च पीसीएस सी एंड एच स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम कोर्सेज सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज आप uh, जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के वहां पे उस लिंक को क्लिक कीजिए एंड डायरेक्टली इन कोर्सेज के ऊपर लैंड कीजिए एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज यूल गेट द सेवन डेज फ्री ट्रायल ऑल्सो तो सात दिन तक आप आराम से उन कोर्सेज के क्लासेस uh, को एक्सेस कर सकते हो जो जो स्केड्यूल

चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है संजीव कौशल इन्होंने इनागरेट किया है फार्मा टेक एक्सपो एंड लैब टेक एक्सपो 2022 ट्वेंटी टू कहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर लेट्स टॉक अबाउट वॉट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दिस पर्टिकुलर एक्सपो सो ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्सपो का इज़ ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ताकि फॉर फॉर एवरी पार्टिसिपेंट जो इस एक्सपो के पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक अपरचुनिटी प्रोवाइड करना बिजनेस कैटेगरी के अंदर एंड यू नो जो हरियाणा स्टेट है वो ऑब्वियसली एक बहुत ही आइडियल डेस्टिनेशन है फार्मा सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करने का राइट सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन द फार्मा सेक्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स थ्रू फार्मास्यूटिकल पॉलिसी सो हरियाणा गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल पॉलिसी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है टू पार्टिसिपेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपो सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड ब्रिंग देयर आइडियाज ब्रिंग देयर इनोवेशन विद दम एंड फिर अल्टीमेटली उससे जो है एक हरियाणा स्टेट के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट हो राइट और जिससे जॉब क्रिएशन हो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट हो राइट इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सपो जो है ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द बैनर ऑफ हरियाणा ट्रेड फेयर अथॉरिटी बाई द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मासूटिकल फार्मा टेक्नोलॉजी इंडेक्स डॉट कॉम डॉट लिमिटेड तो इस तरीके से इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया बाय दिस पर्टिकुलर एजेंसी राइट ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हरियाणा ट्रेड फेयर अथॉरिटी जिनका नाम है डॉक्टर जी अनुपमा उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट हरियाणा इज अ लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राइट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा ने काफी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है एंड ड्यू टू द कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फार्मा एक्सपोर्ट जो है फ्रॉम द स्टेट इन द ईयर 2021 दे हैव बीन अबाउट 1500 करोड़ सो so, काफ़ी ज़्यादा जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखी गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली कि हम लोग देखते हैं कि फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं दो में पंद्रह करोड़ का जो है एक्सपोर्ट हुआ राइट फार्मा टेक एक्सपो एंड लैब टेक एक्सपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी रन टिल अप्रैल तीस तक अप्रैल तक ये चलता रहेगा एक्सपो एंड इसमें जो है लगभग लगभग दो कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगी और उसके बाद जो है आ, आगे जाके उनको जो है जो जो अपरचुनिटी उनको मिल रही है वो उस हिसाब से ग्रैप करके उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा राइट और इन 200 कंपनीज में इफ वी टॉक अबाउट तो हरियाणा की जो कंपनीज हैं इफ वी टॉक अबाउट तो यू विल गेट मोर देन 40 कंपनीज आर कमिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट इट राइट चलिए ओके नाउ द सेकेंड न्यूज इज सेकेंड न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स देखिए हरियाणा ने जीता है हरियाणा की आर्चर है, रिद्धि रिद्धि एंड उनके जो पार्टनर हैं तरुण दीप राय इन दोनों ने मिक्स डबल्स के अंदर मिक्स डबल्स के अंदर किसमें आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर जो कि हो रहा है अंतेलिया टॉकी के अंदर इसमें इन्होंने मिक्स डबल के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया के लिए जीता है ठीक है तो रिद्धि जो है वो हरियाणा की आर्चर है तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक ईवेंट होता है आर्चरी वर्ल्ड कप तो ऑब्वियस चीज़ है कि रिद्धि ने काफ़ी ज़्यादा एक प्रूफ करके दिखाया है एंड नाउ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज तरुणदीप एंड रिद्धि ये दोनों मिक्स डबल में इनकी टीम थी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है इंडिया के लिए बाई डिफेटिंग ब्रिटेन्स का ब्राइनी पिटमैन एंड एलेक्स वाइज इन दोनों को इन्होंने हराया है और इन दी मिक्स टीम इवेंट के अंदर ठीक है रिद्धि की बात करें तो ये 17 ईयर ओल्ड हैं सत्रह साल की हैं और ये इनके लिए फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल है फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल है इसके अलावा जो उनके पार्टनर हैं टीम प्लेयर हैं दैट इज़ तरुण दीप ये 38 एट ईयर्स ओल्ड है और इन्होंने पहले भी कुछ uh, मुकाम हासिल किया है लाइक ही वॉन सिल्वर मेडल इन दी एशियन गेम गोंगजो जो कि 2010 में हुआ था वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और आगे भी और कैटेगरीज के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते हुए हैं राइट right? इतना क्लियर हो गया एक छोटी सी न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि अनाउंसमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन नेम ऑफ गुरु तेग बहादुर ठीक है सो हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर है इन्होंने चार मेजर अनाउंसमेंट किया कब फोर प्रकाश उत्सव ऑफ हिंद की चादर चादर गुरु तेग बहादुर इन पानीपत ठीक है जिसमें इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज रख दिया है ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है एट पंजूपुर विलेज इन यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा गुरु तेग बहादुर हमारे नाइन्थ गुरु थे सिख गुरु हैं और ये जो गुरु तेग बहादुर जो मेडिकल कॉलेज रखा गया है दैट इज़ इन विलेज पंजूपुर विलेज इन यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट दैट से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ इसके अलावा एक न्यूज़ है जो बहुत ही खास न्यूज़ है कि वर्ल्ड स्किल्स सेंटर वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है वो गुरुग्राम के अंदर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा राइट सो हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम संजीव कौशल है इन्होंने इन्फॉर्म किया दैट विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर ये जो है सेटअप किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द विंडो सिटी ऑफ गुरुग्राम ठीक है गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एडुकेशन जो है वो यूथ को मिल पाए राइट right? तो इतना आप याद रखेंगे इसके बारे में और पढ़ लेते हैं लाइक सिक्स एटी कैंडिडेट जो हैं दे बी इन सिक्स कोर एरियाज ठीक है एरिया सेंटर इन गुरुग्राम तो फर्स्ट फेज जो होगा वो विश्वास uh, विश्व uh, कौशल केंद्र एम्स एट टू ट्रेन द कैंडिडेट्स इन द सेक्टर इंक्लूडिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिटेल आई ठीक है अकाउंट्स बैंकिंग फाइनेंस लॉजिस्टिक एंड ब्यूटी एंड वेलनेस के कैटेगरी के अंदर ये फर्स्ट फेज जो है वो किया जाएगा ठीक है क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट uh, हम लोग बात करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज के अंदर ये न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट रिसेंटली वॉट वी हैव सीन कि हरियाणा ने डिक्लाइन देखा है इन द चाइल्ड मोर्टैलिटी के अंदर अंडर द एज ऑफ फाइव तो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये हरियाणा के लिए कैसे जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं अनिल विज इन्होंने इन्फॉर्म किया कि डेटा एक आया हुआ है वो डेटा uh, कौन लेकर आया है डेटा लेकर आया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसने जो है लेटेस्ट चाइल्ड हेल्थ डेटा रिलीज किया है और इस हेल्थ चाइल्ड हेल्थ डेटा के हिसाब से फाइव डिजिट रेट जो है इन्फेंट मोर्टैलिटी का हरियाणा के अंदर अंडर फाइव ईयर्स ऑफ एज के उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है मतलब कितना डिक्लाइन हुआ है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन मतलब कितना डिक्लाइन इट इज़ फाइव डिजिट रेट फाइव डिजिट रेट जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है लेट्स टॉक अबाउट इट कि अनिल विज Uh, जो कि मिनिस्टर है हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने बोला कि हरियाणा हैज़ अ हाईएस्ट ड्रॉप सबसे ज़्यादा ड्रॉप जो देखने को मिला वो हरियाणा स्टेट के अंदर देखने को मिला और फाइव पॉइंट्स का किसमें अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट के अंदर एज जो अंडर फाइव ईयर्स की एज के जो बच्चे होंगे उनके उनकी मोर्टैलिटी रेट के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आपको पांच पॉइंट का हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है एज इन कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट नेबरिंग स्टेट में यू हैव पंजाब हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड तो ये बड़ी अच्छी आ, एक फाइंडिंग है आउटकम है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा इज फोकसिंग ऑन फर्दर इंप्रूविंग चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज राइट कैसे थ्रू कंटिन्यूस एंडेवर टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू मदर्स एंड बेबीज राइट तो ये चीज बताई गई है इसके अलावा हम लोग और देखते हैं इसके आउटकम्स पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है हरियाणा है, है अंडर फाइव अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट के अंदर देखा गया है अर्लियर इट वॉज थर्टी सिक्स नाव एट एस थर्टी वन ठीक है नाव इट इज थर्टी वन पर थाउजेंड बर्थ ठीक है अब इनफैंट मोर्टैलिटी रेट जो है हैज कम डाउन फ्रॉम थर्टी टू ट्वेंटी सेवन मतलब ये पिछले डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है 2018 में इट वॉज ट्वेंट थर्टी ठीक है 2018 के हिसाब से देखा जाए आई एम आर 30 वॉज थर्टी नाव इट इज ट्वेंटी सेवन और न्यू नेटल मोर्टैलिटी रेट की बात करें तो हैज़ कम डाउन फ्रॉम ट्वेंटी टू टू नाइनटीन राइट तो इस तरीके से ये सारे uh, uh, जो इंडिकेटर्स है ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कर रहे हैं फाइव थ्री डिजिट के अंदर इस तरीके से अब ये जो डिक्लाइन देखा गया है चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर इज ड्यू टू वेरियस इनिशिएटिव जो चाइल्ड स्पेसिफिक ली गई बाय दी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा जिसमें हम लोग बात करें तो 24 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स जो हैं अलॉन्ग विद फंक्शनल कांगरू मदर केयर जो यूनिट्स हैं इनको स्टैब्लिश किया गया इसके अलावा दो नई जो एस एन सी यूज जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया सब डिविजनल हॉस्पिटल्स के अंदर अम्बाला कंटोनमेंट एंड एस डी एच जगादरी के अंदर न्यू मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट जो है उसको भी स्टैब्लिश किया गया नलहर मेडिकल कॉलेज के अंदर न्यू एंड अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार के अंदर और इसके अलावा और भी कुछ स्टैब्लिशमेंट और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सेटअप किया गया बाय दी स्टेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ठीक है तो इसकी वजह से जो है अल्टीमेटली हमारा जो ये मोर्टैलिटी uh, रेट है ये डिक्लाइन में हुआ है राइट right? नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी पोस्टर ऑफ फैम्फ्लेट जो है uh, कौन सी थीम के थीम जो है इन पोस्टर ऑफ फैम्फलेट्स की है दैट इज़ चाइल्ड मैरिज इज़ अ हीनियस क्राइम तो बेसिकली अवेयर करने के लिए लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए हरियाणा की जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमलेश ढांडा जो मेरे पीछे हैं इन्होंने लॉन्च किया पोस्टर एंड फैम्फलेट एक मुहिम जिसके अंदर जो है थीम जो है उस पोस्टर फैम्फलेट के अंदर दैट इज़ चाइल्ड मैरिज इज़ अ हीनियस क्राइम इन चंडीगढ़ तो इन्होंने शुरू कहाँ किया चंडीगढ़ के अंदर ये सब शुरुआत की है इस चीज़ की ठीक है सो चाइल्ड मैरिज जो है वो एक हीनियस क्राइम है पोस्टर एंड फैम्फलेट बनाए गए जॉइंटली जॉइंटली बनाए गए क्रिएटेड बाय हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड इंडिपेंडेंट थॉट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ठीक है सो so, इतना आप याद रखिए इस पोस्टर के अंदर इन फैम्फलेट के अंदर मेनली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी ये होगी कि किस तरीके से चाइल्ड मैरिज को रोका जा सकता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2022 के बारे में बताया जाएगा और कैंपेन जो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज चलाई जा रही है इस सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन पोस्टर और फैम्फलेट्स के अंदर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिकवरी ऑफ महाभारता पीरियड सैंड एंड क्रिस्टल्स महाभारत महाभारता पीरियड के सैंड और क्रिस्टल्स को रिकवर किया गया है कहां पे रिकवर किया गया है बेसिकली एक्सकवेशन चल रही है कहां पे सरस्वती सरोवर में ये पे है विलेज बिहोली विलेज बिहोली कहां पे कुरुक्षेत्र के अंदर जहां पे सैंड एंड क्रिस्टल्स जो है महाभारता टाइम के इनको पाया गया है राइट चलो कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं देख लेते हैं क्या है रिसर्च जो चलाई जा रही है बाय होम बाई ओ एन जेसील वॉटर कमीशन के थ्रू यह रिसर्च चल रही है दिस सैंड इज फाउंड ऑन द कोर्स ऑफ सरस्वती रिवर ठीक है यह बोला जा रहा है कि ये जो सैंड और क्रिस्टल इस तरीके का जो मिला है ये बेसिकली और जगह भी मिला है जैसे उत्तराखंड हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया राजस्थान गुजरात हो गया जहाँ से सरस्वती रिवर फ्लो कर रही थी उसी कोर्स के उसी कोर्स में हमें ये सैंड और क्रिस्टल और जगह में भी मिले हैं और स्टेट्स के अंदर भी मिले हैं ये बोला जाता है कि वेदास और महाभारता में दैट द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन द डेजर्ट पॉसिबली द थार डेजर्ट कि वेदास और महाभारता में ये बोला जाता है कि सरस्वती रिवर जो है वो सूख गई है डेजर्ट वाले रीजन में और पॉसिबली ये थार डेजर्ट की बात हो रही है ठीक है हिंदू ओपिनियन के हिसाब से यह बोला जा रहा है कि रिवर सरस्वती जो है ये आज भी फ्लो करती है अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है और गंगा के साथ मिल जाती है गंगा और यमुना के साथ मिल जाती है प्रयाग राज में तो अलग अलग जो ओपिनियंस हैं अलग अलग परसेप्शंस हैं इस चीज के बारे में इंदस की बात करें इंदस सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा इंदस सिविलाइजेशन में सरस्वती एक बहुत ही बड़ी रिवर थी जो पानी रिसीव करती है, विच रिसीव द वॉटर फ्रॉम द सतलुज एंड यमुना ठीक है बट हुआ क्या जो जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से इस रीजन में यमुना जो है वो सेपरेट हो गई इन द सिस्टम से एंड इसके बाद जो फ्लो ऑफ वाटर था सरस्वती में वो कम हो गया और इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो भी डिक्रीज हो गया और अल्टीमेटली ये ड्राई अप हो गई ठीक है सूख गई राइट ठीक है सो दिस इज वॉट वी आर सपोज टू स्टडी राइट सो Uh, in today's class, we have completed the third and fourth week of April. Jitna jitna required hai, we are covering all those aspects. So, uh, wish you all the very best of luck. Thank you.